दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। और गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 319 से में होती है और 500 ईस्वी के लगभग तक ये चलता है। ध्यान दीजिएगा 319 इनका निश्चित नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है, इसलिए 319 बोला जाता है और 500 ईस्वी तक। तो गुप्त साम्राज्य जो कि गुप्त साम्राज्य के शासक जो थे वो कुषाणों के सामंत थे और इनका विस्तार लगभग पूरे उत्तर भारत पर था। और गुप्त साम्राज्य का जो उदय होता है ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी में होता है। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के शासक और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसकी की, किसने की, साथ ही साथ यहाँ का राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सामाजिक स्थिति की हम बात करेंगे पूरा। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसा कि बताया आपसे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना 319 के आसपास मानी जाती है। और 319 इसलिए क्योंकि 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष को पहुंचता है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की जाती है 240 ईस्वी में, और ये 240 से 280 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद दूसरे जो आते हैं शासक वो हैं घटोत्कच, जो कि 280 से 319 ईस्वी तक शासन संभालते हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से 334 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इसके बाद समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 380 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 380 से 412 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद फिर आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 413 से 455 ईस्वी तक शासन करते हैं। और आते हैं स्कंदगुप्त, जो कि 455 से 467 ईस्वी तक शासन करते हैं। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त और अन्य शासकों लगभग 476 ईस्वी से 530 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर राज्य करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मेनली दो ग्रंथ से मिलती है, जिसमें कुछ कुछ जानकारी इनके बारे में मिलती है और कुछ में बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इससे, और जैन ग्रंथ जिसका नाम है हरिवंश पहला और दूसरा है कुवलय माला, इन दोनों जैन ग्रंथों से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे श्रीगुप्त के ऊपर, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। और इनकी जानकारी प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र पत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख किया गया है। और इनका जो उल्लेख है वो गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है, यानी कि ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और इत सिंह, जो कि चीनी यात्री था, उसके अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए, और इसने, यानी कि श्रीगुप्त ने, महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है घटोत्कच, जो कि 280 से 319 ईस्वी तक शासन संभालते हैं। और इन्हें श्रीगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और घटोत्कच के द्वारा भी महाराज की उपाधि धारण की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने गुप्त वंश को प्रसिद्धि दिलाई, जिन्होंने 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया। और 319 ईस्वी में यानी कि अपने राज्यारोहण के समय इन्होंने एक संबंध की स्थापना की जिसे गुप्त संबंध कहा जाता है। तो ये घटोत्कच के उत्तराधिकारी और इस वंश का पहले महान शासक थे। और समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, यानी कि लिच्छवी को जीतने वाला। और साथ ही साथ इसने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उससे दहेज स्वरूप वैशाली राज प्राप्त हुआ। और इसने, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, अपने, जैसा कि बताया आपको, राज्यारोहण के स्मारक के स्वरूप में गुप्त संबंध को स्थापित किया। और इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। फिर अब आते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 335 से 380 ईस्वी तक ये शासन करते हैं और ये अशोक की शांति और अहिंसा की नीति के बिल्कुल विपरीत हिंसा और आक्रमण की नीति में विश्वास रखते थे। और जैसा कि कहा, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया और इनके राज्य में हनीसेर नाम का कवि रहता था, जो कि इनका दरबारी कवि था और वो मंत्री भी था और इनका मुख्यमंत्री भी था। और समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखाया गया है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा
समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। यानी कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस लेख में या किस प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है, तो उस लेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग लेख। वैसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है इसे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर एक लेख मिला है जिसे कि एरण अभिलेख कहा जाता है। और इस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी है। और समुद्रगुप्त, जैसा कि कहा आपसे कि भारत के नेपोलियन कहा जाता है इन्हें, तो इन्होंने बहुत सारे स्थानों पे विजय प्राप्त किया। और जो इन्होंने विजय प्राप्त किया उस उन क्षेत्रों को हम पांच समूह में बांट सकते हैं। तो पहले समूह में गंगा जमुना के द्वाब के वो राजा आते हैं जिन्हें हरा कर इनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं। और दूसरे समूह में पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक होते हैं जैसे नेपाल, असम, बंगाल के राजा आदि, इनको भी अपने मिला लिया जाता है। और तीसरे समूह में अटाविक राज्य आते हैं जो कि विंध्य क्षेत्र में पड़ते हैं और इन सभी को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया। चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक सम्मिलित हैं जिनको हरा कर समुद्रगुप्त छोड़ देते हैं। पांचवें समूह की बात करें तो इसमें शक और कुषाण आते हैं जिनकी सीमा अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और इन शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही श्रीलंका के राजा जिनका नाम मेघवर्मन होता है, इन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिनका नाम मेघवर्मन रहता है और ये श्रीलंका के राजा रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 380 से 412 ईस्वी तक शासन करते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य का उपाधि ग्रहण किया जाता है और ये अपने वैवाहिक संबंध और विजय के द्वारा अपने साम्राज्य की सीमा में और वृद्धि करते हैं। चीनी यात्री जिसका नाम फायान होता है वो 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहता है। इन्हीं के शासनकाल में भारत आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, अपनी पुत्री जिसका नाम प्रभावती होता है, इसका विवाह वाकाटक के नरेश रुद्रसेन से करता है। और प्रभावती का उल्लेख हम आपको पहले कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया कि प्रभावती के पूना स्थित जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें श्रीगुप्त का उल्लेख किया गया है गुप्त वंश के आदिराज के रूप में, है ना। तो हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो इन्होंने अपने सैनिक अभियानों के समय, मतलब सैनिक अभियानों में पहली विजय इन्होंने सक राजा रुद्र सिंह तृतीय पर किया। और इसके इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। ध्यान दीजिएगा कि ये सक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ग्रहण किया गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वानों का आश्रय दाता भी थे। और इनके दरबार में ही 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता है, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेतालग्रह, घटकर पर, वराहमिहिर और वररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही गुप्त काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। और चंद्रगुप्त के द्वारा अगर हम जो सिक्के बहुत प्रकार के चलाए जाते हैं जिनमें लगभग 8 प्रकार के सिक्के होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनमें धनुर्धारी प्रकार, छत्र प्रकार, पर्यंक प्रकार, सिंहंता प्रकार और अश्वरोही प्रकार, राजा रानी प्रकार, ध्वजाधारी प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के शामिल हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए जाते हैं। और इन सिक्कों में जो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए सर्वप्रथम गुप्त काल में और इन्होंने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाए। इसके बाद नेक्स्ट जिनकी हम बात करें जो राजा हैं वो हैं कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 413 से 455 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाती है। और इनकी इन्होंने जो उपाधि धारण किया था उसमें महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम दैवत आदि था। और ये पहला शासक था जिनमें जिनके सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम के। इनके 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 13 शिलालेख हैं यानी कि जो पत्थर पर लिखाए गए हैं और 5 ताम्रफलक हैं। और इनमें मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुमारगुप्त के धार्मिक विचार की बात करें तो ये वैष्णव मत का अनुयायी था। साथ ही साथ इसने अपने पुत्र का नाम स्कंदगुप्त रखा। तो स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 ईस्वी तक शासन करते हैं और जब ये राज सिंहासन पर बैठते हैं तो इनके समय में ही हूणों का आक्रमण होता है
और लेकिन ये हूण से जीत जाते हैं और इनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य कराया जाता है। अगर हम सुदर्शन झील की बात करें तो इसका संबंध मौर्य काल से है, ठीक है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर जिसका नाम पुष्यगुप्त था उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और ये कहाँ है, सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है ये। और स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त और अन्य शासकों ने लगभग जैसा कि बताया आपको कि 476 ईस्वी से 530 ईस्वी तक शासन करते हैं। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन की। तो गुप्तकालीन जो प्रशासन की प्रकृति थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी कि गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था और जो राजपद हुआ करता था ये वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था और राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। इसके अलावा गुप्त शासन व्यवस्था में जो सम्राट होता था वो न्याय, सेना और दीवानी विभाग का प्रमुख होता था और प्रजा अपने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती थी गुप्त काल में। और गुप्त सम्राट ये क्या करते थे, परम देवता, परम भट्टारक, महाराज अधिराज, पृथ्वीपाल, सम्राट जैसी उपाधि धारण करते थे। मतलब इससे क्लियर हो जाते हैं कि गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं के ऊपर शासन किया और इस समय सामंतवाद का प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी थी और सामंतवाद की उत्पत्ति भारत में मौर्योत्तर काल में मौर्यों के बाद चालू होना शुरू हो जाता है। और गुप्तकालीन अभिलेखों से मतलब जो मंत्रिमंडल सदस्यों के विषय में जानकारी मिलती है तो वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले होते हैं सर्वाध्यक्ष, और ये राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष होता था। उसके बाद आता था दूसरा जिसका नाम है प्रतिहार और महाप्रतिहार। तो ये सम्राट से मिलने की इच्छा रखने वालों को आज्ञा पत्र देना इनका मुख्य कार्य होता था। और प्रतिहार की अगर हम बात करें तो ये अंतःपुर का रक्षक होता था और जो महाप्रतिहार होता था ये राजमहल के रक्षकों का मुखिया होता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कुमारामात। तो ये पदाधिकारियों का सर्वेष्ठ वर्ग था जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जा सकता था, यानी कि ये लगभग राजकुमार या युवराज हुआ करते थे कुमारामात। इसके बाद महासेनापति, तो महासेनापति की बात करें तो ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। फिर आते हैं महापीलुपति, ये गज सेना यानी कि हाथी सेना का अध्यक्ष होता था। इसके बाद महाश्वपति आते हैं जो कि अश्व सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद आते हैं महासंधि विग्रहक, ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था। इसके बाद जो अगला मंत्री है वो है दंड पासिक, ये पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था और इस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था, यानी दंड पासिक जो है ये पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विनय स्थिति स्थापक, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट है रणभाण्डागारिक, यानी कि सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को रणभाण्डागारिक कहा जाता था। इसके बाद है जो नेक्स्ट वो है महाबल अधिकृत, यानी कि ये सैनिक अधिकारी हुआ करता था लेकिन महासेनापति के अधीन हुआ करता था, महाबलाधिकृत। इसके बाद महादंडनायक जो कि युद्ध एवं न्याय विभाग का कार्य देखने का कार्य करता था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है महाभंडागाराधिकृत, यानी कि ये इसका कार्य राजकीय कोष को देखरेख करना था। इसके बाद है महाअक्ष पटलिक जो कि अभिलेख विभाग का प्रधान होता था, अभिलेख देखने का काम करता था। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है ध्रुवाधिकरण, ये कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान होता था। इसके बाद जो नेक्स्ट और अंतिम है वो है अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। और जैसा कि आपसे कहा था कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि जिसका नाम हरिशेण था और जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, तो साथ ही साथ वो कुमारामात और संधि विग्रहक और महादंडनायक का कार्य भी करते थे और इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से चलती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें प्रांतीय प्रशासन की, तो अब क्या था, गुप्त साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, है ना, लगभग उसमें पूरा उत्तर भारत शामिल था जिसमें अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था, पाकिस्तान पूरा था, आज का बांग्लादेश भी उसमें शामिल था, है ना, गुप्त साम्राज्य में। तो अब ये तो संभव नहीं रहा होगा कि एक ही राजा सब जगह देख ले, तो अपने राज्य को क्या किया उसने, प्रांतों में बांटा। तो जो गुप्त साम्राज्य था बहुत सारे प्रांतों में बांटा था और प्रांतों को देश भुक्ति या फिर अवनी कहा जाता था। साथ ही साथ जो प्रांत सम्राट खुद शासित करता था वो इकाई को देश या राष्ट्र कहा जाता था। और जैसा कि
प्रांत की अगर हम बात करें तो प्रांत या जिसे भुक्ति भी कहा जाता था, ये उपरिक के प्रभार में रहता था, और भुक्ति यानी कि जो प्रांत है, ये देखिए प्रांत भुक्ति ये एक हैं, ये उपरिक के प्रभार में रहते थे, और जो भुक्ति होते थे यानी कि प्रांत होते थे वो कई विषय या फिर जिलों में विभाजित होते थे, और विषय का प्रधान यानी कि भुक्ति का प्रधान विषयपति कहलाता था, और विषयपति के अधीन कुछ कर्मचारी काम करते थे जिसमें कुछ निम्न है। पहला सौलकिक, तो ये क्या करता था, इसका कार्य कर वसूलने का काम था। और गौलमिक की बात करें तो गौलमिक क्या करता था, स्थानीय फौज या जंगलों का अधिकारी होता था। और पुष्तपाल या करणिक जिसे कहा गया है, ये दस्तावेज के संरक्षण का कार्य करता था। और जो विषय यानी जिला था वो वीथि में विभाजित था यानी कि तहसील के लगभग, और जो तहसील थे यानी जो वीथि थे वो ग्राम में विभाजित थी। इसके बाद ग्राम की अगर हम बात करें तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और ग्राम सभा के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। और अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के सैनिक संगठन की। तो यहाँ सेना के पास, राजा के पास स्थायी सेना होता था, साथ ही साथ सेना के मुख्य चार अंग होते थे जिसमें पदाति, रथारोही, अश्वरोही और गज सेना होते थे। पदाति की बात करें तो पैदल सेना, रथ सेना और घुड़सवार और हाथी वाली सेना। और जो पदाति सेना थी इसकी टुकड़ी को चमुई कहा जाता था। और अब हम अगर गुप्त काल की राजस्व व्यवस्था की बात करें यानी कि गुप्त काल में राजाओं को पैसा कैसे वसूलते थे या कैसे उनको कर मिलता था, तो उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि गुप्त काल के समय भूमि अनुदान देने की प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि शुरुआत इसे किया गया था सातवाहनों के द्वारा, लेकिन गुप्त काल में बहुत ही ज़्यादा भूमि अनुदान में दिए जाने लगे थे। और दो प्रकार के भूमि अनुदान प्रचलन में था, जिसमें पहला प्रकार अग्रहार का था जिसे ब्राह्मणों को दिया जाता था, और दूसरे प्रकार का भूमि अनुदान वो होता था जिसमें राजा अपने अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में उपहार स्वरूप देता था। और जो अग्रहार प्रकार की भूमि यानी कि जो ब्राह्मणों को दिया जाता था वो कर से मुक्त होती थी और इस पर वंशानुगत अधिकार होता था। फिर भी अगर राजा चाहता और कि अगर वो मतलब उन ब्राह्मणों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता था तो इस ज़मीन को वापस ले सकता था। ठीक है, अब जैसे अगर हम राजस्व के स्रोत की बात करें तो तीन प्रकार के राजस्व स्रोत थे। पहला भाग था, दूसरा भोग, तीसरा प्रणय कर, और कर भी थी जिसकी भी हम बात कर लेंगे। अगर हम भाग की बात करें तो ये राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा भाग कहलाता था, और ये राजस्व का स्रोत था। भोग की बात करें तो ये राजा को प्रत्येक दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर भोग कहलाता था। और प्रणय कर, और ये ग्रामवासियों के ऊपर लगाया गया अनिवार्य या स्वेच्छा चंदा जिसे प्रणय कर कहता था, प्रणय कर कहा जाता था। और हल दंड कर भी था जो कि हल पर लगा करता था। और जो गुप्त काल में राजस्व के अन्य स्रोतों में जो शामिल हैं उसमें भूमि, रत्न, छिपा हुआ गुप्त धन, खदाने और नमक आदि थी, और इन पर सीधे सम्राट का अधिकार होता था। लेकिन अगर ये अनुदान वाली भूमि में मिलता तो इस पर राजा का कोई अधिकार नहीं रहता था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है आप, और अब हम बात करें कि उस समय जो भूमि थी जिसके अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि उल्लेख किया है, लेकिन जो मेनली भूमि पाए जाते थे वो 5 प्रकार के होते थे। पहला क्षेत्र भूमि, दूसरा वास्तु भूमि, तीसरा चारागाह भूमि, चौथा खिल भूमि और पांचवा अग्रहत भूमि। तो क्षेत्र भूमि की बात करें तो ये खेती योग्य भूमि हुआ करती थी, जबकि वास्तु भूमि की बात करें तो ये इसे नाम से स्पष्ट है कि निवास योग्य भूमि यानी कि वास्तु जिसपे आप घर मकान वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, चारागाह भूमि यानी कि ये पशुओं की चारा योग्य भूमि, और खिल भूमि ऐसी भूमि जो कि जोतने योग्य नहीं था यानी बंजर भूमि, और अग्रहत भूमि की बात करें तो ऐसी भूमि जो कि जंगली भूमि हुआ करती थी यानी कि वन पहाड़ वगैरह जिसमें शामिल होते थे। और गुप्त राजाओं की हम बात करें तो जैसे कि गुप्त साम्राज्य, मुझे आपको ये पहले बताना था, बहरहाल गुप्त साम्राज्य जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा स्वर्ण युग इसलिए नहीं कहा जाता कि इन्होंने सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का मुद्रा जारी किया, बल्कि गुप्त काल को स्पेशली साहित्य के मामले में स्वर्ण काल कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा आप। और इन्होंने जैसा कि बताया आपसे कि गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया, और इन मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ था कि गुप्त राजाओं के स्वर्ण मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा कम थी, और साथ ही साथ गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था, और नारद जिन्होंने 18 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, और मनु यानी कि मनु अपने मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं गुप्त काल में, और इस समय लेखक की गणना आय व्यय का हिसाब रखने आदि को कार्य करने वाले वर्ग को कायस्थ कहा गया। और गुप्त काल में जो ऐसी महिलाएं जो कि वेश्यावृत्ति का कार्य करती थीं उनको गणिका कहा जाता था, और ऐसी वेश्याएं जो कि वृद्ध हो जाती थी उन्हें कुट्टनी कहा जाता था, यानी कि कुट्टनी वृद्ध महिला वेश्या को कहा जाता था और वेश्या को गणिका कहा जाता था गुप्त काल में। अब हम बात करें धार्मिक स्थिति की, है ना। तो गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय कहा जाता है, और इस समय मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन जाता है, और यज्ञ का स्थान उपासना ले लेती है, और इसी समय वैष्णव एवं शैव मत के मध्य समन्वय स्थापित हो जाता है, और इसी समय महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रचलन में थे गुप्त काल में। फिर जो गुप्त शासकों के अगर हम व्यक्तिगत धर्म की बात करें तो उनका व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था, और बहुत सारे गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की, और इन राजाओं ने अपनी राजाज्ञाएँ गरुण ध्वज से अंकित करवाई। साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर गरुण की आकृति खुदी हुई है, और चक्रपालित नाम के एक गुप्तकालीन कर्मचारी ने विष्णु के एक मंदिर का निर्माण कराया, और गुप्तकालीन कुछ अभिलेखों में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। और गुप्तकाल की अगर हम बात करें तो जो शासक थे गुप्तकाल में ये धार्मिक सहिष्णु थे, क्योंकि इसकी भावना के कारण ही शैव धर्म का भी विकास इस काल में हुआ, क्योंकि गुप्त शासक व्यक्तिगत रूप से वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन शैव धर्म का भी विकास इनके शासनकाल में हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो सेनापति जिसका नाम वीरसेन था, जिसे कहीं कहीं साओ भी कहा जाता है, ये प्रकांड शैव विद्वान था। साथ ही साथ गुप्त राजाओं के समय में मथुरा में महेश्वर नाम का शैव संप्रदाय रह रहा था, और कुमारगुप्त प्रथम का सेनापति जिनका नाम पृथ्वीसेन था, और उसने करमदंड नामक स्थान पर शिव की प्रतिमा स्थापित की। और गुप्तकाल की अगर हम बात करें तो शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना और शिव एवं पार्वती की एक साथ मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में ही आरंभ हुआ, और शैव एवं वैष्णव धर्म के समन्वय को दर्शाने वाले भगवान हरिहर की मूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ। और वामन पुराण के अनुसार गुप्त काल में 4 शैव संप्रदायों का प्रचलन था, जिनमें शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख शामिल थे। और इसके अलावा गुप्त काल में सूर्य की उपासना करने वाले लोगों का भी संप्रदाय था। सूर्य अनेक नामों से अभिलेखों में लुकार्क, भास्कर, आदित्य, वरुणास्वामी एवं मार्तंड नाम मिलते हैं, यानी कि गुप्त काल में सूर्य की उपासना करने वाले भी लोग थे। और हालांकि ये भी सच है कि गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया, फिर भी ये धर्म विकसित होता रहा, और इस काल में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र के रूप में गया, मथुरा, कौशाम्बी एवं सारनाथ थे। साथ ही साथ गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य जिनका नाम वसुबंधु था, और असंग और दिंग गांग भी हुए, और इसी काल में ही आर्यदेव ने चतुशतक, और विद्वान असंग ने महायान संग्रह, साथ ही साथ योगाचार, भूमिशास्त्र और महायान सूत्रालंकार की रचना की। और बौद्ध धर्म की ही बात करें तो इस समय ही गुप्त काल में ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक एवं योगाचार संप्रदाय का विकास हुआ, और योगाचार संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का एक प्रकार था, गुप्त काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसके अलावा गुप्त काल में जैन धर्म का भी विकास हुआ, और गुप्तों के समय में ही जो मथुरा 313 ईस्वी और वल्लभी में जैन सभाएं आयोजित की गई, और इस समय मूर्ति निर्माण के अंतर्गत महावीर एवं अन्य तीर्थकर की सीधी खड़ी हुई और पालथी मारकर बैठी हुई मूर्तियां भी बनाई गईं, और भारतीय षड्दर्शन जिनमें सांख्य, योग्य, न्याय, वैसे ऐसे पूर्व एवं उत्तर मीमांसा जिसे कि वेदांत कहा जाता है, कि महत्वपूर्ण कृतियों की रचना गुप्त काल में ही संपन्न होती है। अब हम बात कर लें गुप्त काल के कला और स्थापत्य की,
तो गुप्त काल में कला के विभिन्न सारे विधाओं जैसे कि वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, मृदभांड कला में प्रगति देखने को मिलता है। साथ ही साथ गुप्तकालीन स्थापत्य का जो सर्वोच्च उदाहरण था वो वहाँ तत्कालीन मंदिर थे, और मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल से ही माना जाता है। और इस समय मंदिर क्या थे, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, और चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में थे तो मंदिरों को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। और जो देवता होते थे यानी कि जिनकी मूर्ति स्थापित की जानी है, उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाता था, और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। और साथ ही साथ जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे ये छोटे छोटे ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते थे, और जो भीतर गांव जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ का मंदिर ईंटों से बना हुआ है, और ये गुप्तकालीन के बेहतरीन स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है। और जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसमें शिखर का प्रयोग किया गया है जो कि 12 मीटर ऊंचा है। और एक अन्य मंदिर भी है जिसमें मंडप का प्रयोग किया गया है, और इस मंदिर में 4 मंडपों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ गुप्तकालीन कला का अगर हम सर्वोत्तम पक्ष की बात करें तो इसकी मूर्ति कला है, और इस समय की अधिकांश मूर्तियाँ हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं। और गुप्त काल की मूर्तियों में जो कुषाण काल के समय नग्नता और कामुकता था उसका समापन हो गया है, और गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग को आरंभ किया। साथ ही साथ अगर गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो उसमें सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, साथ ही साथ मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, और सुल्तानगंज की कांसे की मूर्ति बहुत उल्लेखनीय है। और साथ ही साथ इन मूर्तियों में गौतम बुद्ध को शांत चिंतन मुद्रा को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। और कूर्मवाहिनी यमुना यानी कि कूर्म यानी कि कछुआ, जो कि यमुना नदी की यानी कि सवारी है, और मकरवाहिनी यानी कि गंगा की मूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ, यानी कि गंगा और यमुना जो देवी हैं इनके मतलब इनकी मूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल में ही संपन्न होता है। इसके अलावा भगवान शिव के एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण भी गुप्त काल में संपन्न होता है, लेकिन वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। हालांकि मैंने कहा कि इस समय, लेकिन सबसे जो प्रमुख था ये मूर्ति कला में बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्नत थी गुप्त काल, लेकिन वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण के कला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। चित्रकला की बात करें तो गुप्त काल में चित्रकला उच्च शिखर पर था, और इस काल के चित्र हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं और ग्वालियर स्थित बाघ की गुफाओं से मिलते हैं। और चित्रकला जो इस समय किया जाता था ये लगभग गुफाओं में किया जाता था, ठीक है, जिसमें अजंता जो कि ऐतिहासिक जगह है, और यहाँ पे अजंता में कुल 29 गुफाओं में से फिलहाल 6 ही गुफा बचे हैं, जिनमें एक गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17 बचे हैं, और इन गुफाओं में से गुफा क्रमांक 16 और 17 जो हैं ये गुप्तकालीन हैं। और ये चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में आज भी प्रथम स्थान रखते हैं, और यानी कि इन गुफाओं में अनेक प्रकार की फूल पत्तियां, वृक्षों एवं पशु आकृति से सजावट का काम किया गया है, तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण का काम जातक कहानियों का वर्णात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि जो अजंता में गुफा हैं जिसमें गुफा क्रमांक 16 और 17 गुप्त काल से संबंधित हैं, बाकी गुप्त काल से संबंधित नहीं हैं। और अजंता के चित्रकला की अगर हम विशेषता करें तो ये विशेषता ये है कि इन चित्रों में दृश्यों को अलग अलग विन्यास से विभाजित नहीं किया गया है। साथ ही साथ अजंता में फ्रेस्को और टेम्पोरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र बनाने की प्राचीन परंपरा प्राचीन तकनीक है। और अगर हम गुफा क्रमांक 16 की बात करें तो इसमें जो एक चित्र की बनाया गया है जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। और गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है, और इसका निर्माण हरिशेर नामक सामंत ने कराया था। ध्यान दीजिएगा ये हरिशेर समुद्रगुप्त के जो सेना महामात थे वही हैं जो कि सामंत भी थे। और इस गुफा में बुद्ध के जन्म, साथ ही साथ उनके जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, यानी कि चित्र गुफा क्रमांक 17 में। और यह गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है।
और बाघ की गुफा की अगर हम बात करें तो बाघ की गुफा जो कि ग्वालियर के समीप स्थित है, 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा इस गुफा की खोज की गई थी। और यहाँ पर 9 गुफाएं हैं और इस गुफा के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। और यहाँ से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के चित्र जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। और साहित्य की हम बात करें तो साहित्य काल में, जैसा कि कहा आपसे कि गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है स्पेशली। और इसे यानी कि गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल माना जाता है। और इस काल के जो कवि हैं वो दो भाग में बटे हुए हैं। पहले भाग में ऐसे कवि आते हैं जिनके विषय में हमें अभिलेख से जानकारी मिलती है, यानी कि जिनकी रचना में प्राप्त होती है। और हालांकि ये भी सच है कि इनके किसी भी कृति के बारे में हमें जानकारी नहीं है। और इस श्रेणियों में हरिसेण, साव यानी कि जिसे वीरसेण, वत्स भट्टी और वासुल आते हैं, यानी कि इनकी रचनाएं मूल जो हैं वे हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और दूसरी श्रेणी में वे कवि आते हैं जिनकी रचनाओं के बारे में हमें ज्ञान है, जिनमें कालिदास, भारवी, भास, भट्टी आदि शामिल हैं। और हरिसेण की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के समय में संधि विग्रह, कुमारमात्य और महादंडनायक के पद पर भी कार्यरत थे। साथ साथ जो इनकी काव्य शैली थी, तो इनके काव्य शैली के बारे में हमें जानकारी प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। और हरिसेण का पूरा लेख जो था वो चंपू शैली यानी कि जिसमें गद्य पद मिश्रित होता है का अनेक उदाहरण है। तो हम तक अब तक बात कर चुके हैं गुप्तकाल के साहित्य, धर्म और राजकीय व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि आपसे कहा कि गुप्त काल में ही आकर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा एक हिंदू धर्म का प्रमुख विशेषता बना। तो और गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन इन स्वर्णों की क्वालिटी में थोड़ी सी कमी था। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अभिलेख जो यानी कि जो मिले हैं और उनको किनके द्वारा लिखाया गया उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं समुद्रगुप्त, जिनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति, एरण प्रशस्ति, गया ताम्र शासन लेख और नालंदा शासन लेख अभिलेख लिखवाए जाते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके द्वारा सांची शिलालेख, उदयगिरी का प्रथम एवं द्वितीय शिलालेख, गढ़वा का प्रथम शिलालेख और मथुरा स्तंभ लेख और मेहरौली प्रशस्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखवाया जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, जैसा कि बताया कि इनके द्वारा 18 लेख लिखवाए जाते हैं, जिसमें मंदसौर शिलालेख, गढ़वा का दूसरा और तीसरा शिलालेख, विलसड स्तंभ लेख, मानकुमार बुद्ध मूर्ति लेख, कर्मदांड लिंग लेख और धनदेह ताम्र लेख, किताई कुटी ताम्र लेख और बैग्राम ताम्र लेख, दामोदर प्रथम एवं द्वितीय ताम्र लेख शामिल हैं, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा ये अभिलेख लिखवाए गए। फिर नेक्स्ट हैं स्कंदगुप्त, जिनके द्वारा जूनागढ़ प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ लेख, सुप्रिया स्तंभ लेख, कहाँव स्तंभ लेख और इंदौर ताम्र लेख लिखवाया गया। और जो नेक्स्ट हैं वो कुमारगुप्त द्वितीय, जिनके द्वारा सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख लिखवाया गया। इसके बाद पुरुगुप्त, जिन्होंने विहार स्तंभ लेख लिखवाया, और भानुगुप्त के द्वारा एरण स्तंभ लेख लिखवाया गया। और इसी स्तंभ लेख में सती प्रथा का उल्लेख है। और इसी स्तंभ लेख में ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी है, ठीक है। भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त आते हैं, जिन्होंने पंचम दामोदर ताम्रलेख लिखवाया था। और इसके बाद बुद्धगुप्त आते हैं, जिन्होंने एरण स्तंभ लेख, राजघाट स्तंभ लेख, पहाड़ ताम्रलेख, नंदपुर ताम्रलेख, चतुर्थ दामोदर ताम्रलेख लिखवाते हैं। फिर जो बैलगुप्त, इनके द्वारा टिपरा ताम्रलेख लिखाया जाता है। तो ये था दोस्तों गुप्त साम्राज्य और इनके शासक और उनके पूरी राज की व्यवस्था, साथ ही साथ धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।